नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे जानते हो कि कल 5 तारीख था और 5 तारीख को जो है जो हमारे मंत्री जितेंद्र अवार्ड है उनका जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन में जो है काफी जोर शोर से उनका जन्मदिन मुमरा कौसा में मनाया जाता है। हमारे तमीम भाई के जरिए से जो है ये जन्मदिन बहुत खास तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है उन्होंने बड़ी सादगी के साथ मनाया है क्योंकि जो कोरोना महामारी बीमारी है वो भी जो है इस बीमारी के चपेट में आ गए थे, वो भी हॉस्पिटल से आए हैं, तो उनका कहना था कि जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया जाए। बहरहाल इसी तरीके से जो है मनाया गया बड़ी सादगी के साथ और उनके जन्मदिन के मौके पर जो है जैसे मास्क है, थर्मामीटर है, ये सब चीज़ें जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में और 5 विकेट में, TMC में और RTO पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर इस तरीके से काफ़ी जगहों पर जो है बांटा गया। नगर सेवक सानू पठान जैसे हैं तो और समीम खान हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है उनकी तरफ से जो है लोगों को राशन भी, तकरीबन 1000 लोगों को राशन भी बांटा, फ्रूट्स भी बांटा। मैं आपको पूरी नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जन्मदिन को मनाया गया। सभी हम पत्रकारों की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं और इस आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो विविध काम आज रखे गए हैं, जैसे गरीबों की मदद का सिलसिला अभी भी जारी है, तो क्या कहेंगे आज इस उपलक्ष्य के बारे में? अच्छी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं त्यौहार, ये जो मेरा त्यौहार होता है जी, मेरा बर्थडे कम त्यौहार ज़्यादा है, लोगों के लिए खुशियों का दिन है, लेकिन जब लोगों के घर में, कई लोगों के घर में गम का माहौल है उसमें मैं खुद खुशी जाहिर नहीं कर सकता। अनु भाई, आज विधायक तथा मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी का जन्मदिन है और कोरोना के इस महामारी के दौरान, वैसे तो आप लोग पिछले 3-4 महीने से मैदान में बने हुए हैं, लोगों की बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, मगर आज इस विशेष दिन पर और विशेष इस मौके पर क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किए? क्योंकि ऐसा है कि माननीय मंत्री साहब के जन्मदिन के अवसर पर कलवा मुमरा और कई जगह पे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल रहता है, लेकिन इस साल कोविड में कई लोगों की जान गई है, पूरी दुनिया में ऐसी महामारी और दुख का माहौल है, इसलिए उनका आदेश था, उन्होंने कहा था कि हमारा जन्मदिन के अवसर पर कोई कटआउट, कोई जश्न ना मनाए, लेकिन सामाजिक काम के लिए हमने सोचा और मुमरा कौसा और कलवा में हम लोग कई जगहों पे 5000 मास्क, 1000 ऑक्सीमीटर और 1000 परिवार को राशन देने वाले, जो हम यहाँ से अभी माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से यहाँ दिया गया है, अभी हम शिवाजी हॉस्पिटल जाएंगे, फिर उसके बाद हम अमृतनगर दरगाह ऑफिस, फिर विधानसभा ऑफिस, फिर हरसागर हॉस्पिटल, फिर बिलाल हॉस्पिटल और हेमानी हॉस्पिटल और ऐसी कई जगहों पे हम पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसी कई जगहों पे जहाँ ये सब लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को हम एक छोटी सी मदद माननीय मंत्री जितेंद्र रावत साहब के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को करना चाहते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से अनंत वाजपेयी साहब, माननीय सैदरी भाई साहब और हमारे सभी नगर सेवक और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को एक टीम वर्क करके, हमारे अध्यक्ष समीम खान साहब और मैंने ये प्रोग्राम का ये जो आयोजन किया है, हमको उम्मीद है कि इससे कलवा मुमरा कौसा काफ़ी हद तक लोगों को सहायता पहुँचेगी और हमारी तरफ से एक
छोटी सी हमको मदद जैसी कोशिश है। शमीम खान साहब, आज 5 अगस्त का दिन है, हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का जन्मदिन का वो दिन है जो हम लोग हर साल 5 अगस्त को मुंब्रा कोसा में हम लोग अलग अलग विभिन्न तरीके का प्रोग्राम आयोजित करते थे। जिस तरीके का हम बताना चाहेंगे कि स्कॉलरशिप, शमीम भाई मैं रोक करके पूछूंगा, जैसे भाड़ साहब ने अपनी बात में कहा कि मेरा जन्मदिन जो है मेरे कार्यकर्ताओं मेरे समर्थकों के लिए त्यौहार की तरह होता है, तो उसके उस नज़रिए से क्या आप बताएं? वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म, हम लोग कहीं ना कहीं लैपटॉप कंप्यूटर और बच्चों के लिए जो है उनकी एजुकेशन की फ़ीस, ऐसे बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है, मैं शानू प्रधान साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी ये पूरी टीम मिलकर के हम लोग जो है इसको हम लोग बहुत सालों से हम लोग मुंब्रा कोसा में आयोजित करते थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ये महामारी, यानी मैं कहूँ कि आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस बात का हम लोगों को संदेश दिया, हमें इस बारे में कहा कि आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम मत करें, बल्कि आप लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करें जिससे उन गरीब परिवार का जिसको कहीं ना कहीं मास्क होती है, ऑक्सीमीटर लेने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उनको टेम्परेचर की वो टॉर्च को लाने में दिक्कत होती है, गरीबों के लिए 1000 राशन किट्स और 5000 मास्क, इस तरीके का 2000 ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर टॉर्च जो है 2000, इस तरीके का प्रोग्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, पेरेंट बॉडी की जानिब से, यूथ बॉडी की जानिब से हमने और शानू प्रधान साहब ने हम लोगों ने मिल करके पूरे शहर में ये रखा है। जिस तरीके से अभी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से तकरीबन 6 लोगों को दिया गया, अभी यहाँ पे थाने की और मुंब्रा की जो मीडिया है ये पूरे सामान हम लोगों ने उनको भी दिया। इसके बाद हम कलवा शिवाजी जाएंगे, फिर हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद हम दरगाह रोड अमृत नगर राष्ट्रवादी यूथ ऑफिस जाएंगे, बाद में पेरेंट ऑफिस जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेडियम जाएंगे, कालशकर हॉस्पिटल जाएंगे, गरीब यानी सलम इलाके जो मुंब्रा कोसा में सलम इलाके हैं वहाँ भी जाएंगे, जा करके उनको ये ऑक्सीमीटर्स देंगे। ये सब सामान देने का काम इसलिए किया जा रहा है कि उन गरीबों के पास कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम्स होती है जिससे कोरोना महामारी कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करती है, उन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है हम लोगों ने लिया, इस तरीके का प्रोग्राम करके हम लोग लोगों की दुआएं लें और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए दुआएँ लोग दें, यही हम चाहते हैं आपके माध्यम से, और ये कहना चाहते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग उस नेता के लिए जो हमेशा हमारी कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ता है उसके लिए आप दुआएं करें, यही कह रहा हूं। थैंक यू शमीम भाई। शानू भाई, आज मंत्री अवार्ड साहब के जन्मदिन के उपलक्ष में आपने खास करके फायर ब्रिगेड के यहाँ के स्टेशन अधिकारी जो है मिश्रा जी और उनके उपाधिकारी गणेश खेताले जी, इनसे मिलकर के ये तमाम मास्क, ऑक्सीमीटर और थर्मल गन वगैरह दी है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे के खास इस टीम को दिया गया? मैं जब हॉस्पिटलाइज था, जब मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो उस वक्त भी मैं अगर उनको फोन दे करके वहाँ से हरिजन से करता था मिश्रा जी के पास, जो यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं, कि आप फला कॉलोनी में जाइए और फला कॉलोनी में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उस कॉलोनी में जाकर के जो काम करना था उनका, जो उनकी ड्यूटी थी या नहीं भी थी, जाकर के पूरे कॉलोनी को करना सैनिटाइजर, वो काम का अंजाम इन लोगों ने दिया है। इसके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके का पहल हमारे शहर को लेकर और जिन मेहनत के साथ इन अधिकारियों ने काम किया है, सलूट है ऐसे लोगों को। अनुभव भाई आप क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली मैं जैसे मेरा तो ऐसा मानना कि कोविड के जो हीरो है, वॉरियर हीरो, ये फायर ब्रिगेड की टीम ही, जिन्होंने कोविड जैसी महामारी की परवाह करते ना परवाह करते हुए पूरे शहर को सैनिटाइजर किया और डे नाइट काम किया, दीवा प्रभाग समिति में भी और मुंब्रा प्रभाग समिति में, इसलिए हम सबसे पहले अभिनंदन करते और यकीन भी दिलाते, उम्मीद भी करते कि हमारी फायर ब्रिगेड की टीम जवानों की तरह ऐसे ही कोविड की महामारी से लड़ते रहे। अवार्ड साहब के जन्मदिन के मौके पे हमको आज ऑक्सीमीटर, थर्मल गन और मास्क दिया गया, इसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और कोविड के ये कालावधि में हमको स्थानिक नगर सेवक और पब्लिक ने जो सहयोग दिया, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। थाने महानगर पालिका की ये जो टीम है, इनको हम सलूट करते हैं, जो इन्होंने जो मेहनत के साथ काम किया, वाकई में काबिले तारीफ है ये लोग।
इनकी कितनी भी सराहना करो उतना कम पड़ेगी। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।